Your sister some chores. No. Go back to your chores. I want to pull her out myself. Purple she was. Cool. हेलो हॉरर लवर्स, वेलकम टू हॉरर लैंड। बहुत दिन हो गए और मैं कोई ऐसी मूवी लाने की सोच रहा था जिसे देखकर मेरे व्यूवर्स यानी कि आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं और आप भी सोचने लगे कि अगर ये मूवी की कहानी ऐसी है तो मूवी कैसी होगी। तो आज की हमारी मूवी का नाम है मम एंड डैड, लेकिन ये कोई फैमिली मूवी नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको आगे मूवी देख कर ही पता लगेगा। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स वॉच द वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है हेथ्रो एयरपोर्ट को दिखाते हुए, जहाँ पर हम एक पुलिस लड़की को देखते हैं जिसका नाम लेना है, जो कि एयरपोर्ट पर एक क्लीनर का काम करती है। लेना वॉशरूम क्लीन करने के लिए जाती है, लेकिन वॉशरूम की इतनी ज़्यादा गंदी हालत देखकर वो वॉशरूम क्लीन नहीं करना चाहती थी। तभी वहाँ पर एक और क्लीनर आ जाती है जिसका नाम बडी था, जो लेना को वॉशरूम क्लीन करने में उसकी हेल्प करती है। और वो लेना से कहती है कि उसे इन सब की आदत है और वो इस काम को कर लेगी। यहाँ सब दोनों की बातचीत शुरू होती है और लेना बर्डी को अपने बारे में बताती है कि उसकी फैमिली लंदन में रहती है और वो यहाँ पर अकेले रहती है। लेना जब वॉशरूम क्लीन करके बाहर निकलती है तो उसके फेस पर डर्ट लगी होती है, जिस वजह से वो अपने पास के एक पॉकेट मिरर को निकाल कर उस डर्ट को क्लीन करने लगती है। लेना का मिरर काफ़ी यूनिक था जो कि बर्डी को काफ़ी पसंद आता है। अब लंच ब्रेक में बर्डी लेना को अपने भाई एलबी से मिलवाती है, जो कि बर्डी की ही तरह एडॉप्टेड था और वो भी यहीं पर काम करता है। बर्डी लेना को बताती है कि उसकी मम और डैड भी एयरपोर्ट पर ही काम करते हैं, यानी कि ये पूरी फैमिली एयरपोर्ट पर ही लगी हुई थी। फिर बर्डी लेना और अपने लिए ड्रिंक लेने के लिए चली जाती है और हम बर्डी को किसी से चैटिंग करते हुए देख पाते हैं। इस बीच लेना एलबी से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके किसी बात का कोई जवाब नहीं देता है। फिर बर्थडे के वापस आने पर लेना बताती है कि वो घर की बड़ी बेटी है और उसके डैड एक बिजनेसमैन है, जो कि ये चाहते हैं कि लेना अपनी पढ़ाई बंद करके अपने डैड के बिजनेस में उनका हाथ बटाए। लेकिन लेना अपनी पढ़ाई पूरी करके खुद के लिए कुछ करना चाहती थी, तो इसीलिए वो यहाँ पर आ गई। अब ब्रेक के बाद में लेना और बर्थडी फिर से अपने काम में लग जाती हैं। हम देखते हैं कि काम करते करते बर्डी वहाँ का सामान भी चुरा रही थी। बर्डी जब नीचे का सामान उठाने के लिए अपने टॉप की स्लीव ऊपर करती है तो लेना का ध्यान बर्डी के हाथ पर जाता है, जिस पर बहुत सारे कट्स थे। और तब बर्डी लेना को बताती है कि उसे बिहेवियर प्रॉब्लम है जिसके चलते उसने ये सब किया है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से ठीक है। थोड़ी देर के बाद में उनकी शिफ्ट ओवर हो जाती है और बर्डी लेना को ड्रिंक के लिए इन्वाइट करती है और फिर अपने साथ होटल में रुकने के लिए कहती है, लेकिन लेना उसे ये कहकर मना कर देती है कि उसे घर पर कुछ काम है। फिर कुछ ही देर में लेना की बस आने वाली थी, तो इसीलिए वो सभी नीचे जाने लगते हैं। लेकिन बर्डी को कुछ काम याद आ जाता है, तो बर्डी लेना को अपना कुछ सामान देकर वापस ऊपर चली जाती है। बर्डी ऐसा जानबूझकर करती है ताकि लेना की बस मिस हो जाए, और होता भी ठीक वैसा ही है। लेना की बस मिस हो जाती है। लेना की बस मिस हो जाने के बाद में बर्डी बिल्डिंग से नीचे आती है और लेना से माफ़ी मांगती है। लेना बर्डी से कैब का नंबर मांगती है, लेकिन बर्डी उसे वो भी नहीं देती है। फिर इसके बाद में बर्डी लेना से आज रात के लिए अपने घर पर रुकने के लिए कहती है। लेना के पास कोई रास्ता नहीं था, तो इसीलिए वो बर्डी और एलबी के साथ में चली जाती है। एलबी और बर्डी लेना को एक अजीब से और सुनसान रास्ते पर अपने घर की ओर ले जाने लगते हैं। फिर कुछ ही देर में तीनों बर्डी के घर पर पहुँच जाते हैं। बर्डी दरवाज़ा खोलकर लेना और एलबी को घर के अंदर लेती है और फिर लेना से बिना कुछ कहे बर्डी अपने रूम में चली जाती है और अपने रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेती है। एलबी भी अपने रूम में चला जाता है और लेना कुछ समझ पाती, तभी बर्डी की मम डैड को आवाज़ लगाने लगती है। अचानक कोई पीछे से आकर लेना के सर पर हैमर से वार कर देता है और उसे बेहोश का इंजेक्शन लगा देता है, जिससे कि लेना बेहोश हो जाती है। लेना जब होश में आती है तो वो अपने आप को एक रूम के अंदर पाती है, जहाँ पर उसे एक बच्चे की तरह तैयार किया हुआ था। सामने वाले रूम से उसे एक लड़के के दर्द में चिल्लाने की आवाज़ आती है और अचानक वो आवाज़ बंद हो जाती है और उसी रूम में से एक मोटा सा आदमी बाहर निकलता है, जो पूरा खून में लथपथ था और उसके हाथ में एक हथौड़ा भी था, जिससे उसने उस लड़के को मार डाला था।
ठीक उसके पास वाले रूम में से एक औरत निकलती है जो कि लेना को बताती है कि मैं मम हूँ और ये डैड है और अब से तुम हमारे साथ में ही रहोगी और जैसा हम कहेंगे तुम्हें ठीक वैसा ही करना होगा और अगर तुमने धोखा देने की कोशिश की तो डैड गुस्सा हो जाएंगे और तुम्हारा हाल भी बहुत बुरा होगा जैसा कि इस लड़की के साथ में हुआ है। लेना मम की बात मान लेती है और डैड वहाँ से चला जाता है। फिर लेना कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन उस इंजेक्शन की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती है। अब मम फिर से एक और इंजेक्शन लेना को लगा देती है जिससे कि लेना फिर से बेहोश हो जाती है। अब लेना को होश आता है तो हम देखते हैं कि उसके हाथों को ऊपर बांधकर लटकाया हुआ है। मम लेना के होश में आने के बाद में उसे बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगती है। वो लेना के स्टमक पर जोर से पिंच करती है और फिर उसकी स्किन में से एक बड़ी सी नीडल को आर पार करके उस नीडल को अंदर ही अंदर घुमाने लगती है। इससे लेना को पेट में से खून आने लगता है और दर्द के मारे तड़पती है लेकिन बेचारी अपना बचाव नहीं कर पा रही थी। एलबी दरवाजे के बाहर से छुपकर ये सब कुछ देख रहा था और डैड उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। फिर अब मम लेना के कपड़े फाड़कर उसके बैग पर भी कट लगाने लगती है और इतने में वहाँ पर बर्डी आ जाती है जो कि लेना के घाव को छूना चाहती थी लेकिन तभी मम उसे ऐसा करने से मना करती है। अब मम और बर्डी लेना को डैड के पास में लेकर जाते हैं जहाँ पर हम डैड को एक बहुत ही घिनौनी हरकत करता हुआ देखते हैं। दरअसल डैड मरी हुई लड़की के प्राइवेट पार्ट को काट कर उससे खुद को प्लेजर करने लगता है जिसे देखकर लेना को उल्टी आ जाती है। फिर डैड लेना के पास में आकर उससे इस घर के रूल फॉलो करने के लिए कहता है जो कि उसने ही बनाए थे। अब वो ये भी कहता है कि अब से हम लोग तुम्हारी फैमिली है, तुम्हारे माँ बाप और भाई बहन हम ही हैं, तुम्हें हमारी बातें माननी होगी जिसके बदले में तुम्हें रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना दिया जाएगा। अगर तुमने सब अच्छे से किया तो तुम इस फैमिली के मेंबर बन जाओगी वरना मैं तुम्हें एक ही बार में ख़त्म कर दूंगा। सीन कट होता है और रात हो जाती है और लेना को एक बेड पर बांध दिया जाता है जिसके पास में मम आती है और कहती है कि मैं आशा करती हूँ कि तुम डैड की बात मानोगी और हमें निराश नहीं करोगी और इतना कहकर मम वहाँ से चली जाती है। अब अगली सुबह बर्डी लेना के कट्स को घिस घिस कर उन्हें साफ करती है जिससे लेना की बॉडी पर और स्क्रैच आने लगते हैं। बर्डी लेना से कहती है कि तुम्हें इन सब की आदत हो जाएगी, ये सब हमने भी झेला है। फिर बर्डी लेना को एलबी के कट भी दिखाती है जिसके बाद में हम मम को ब्रेकफास्ट रेडी करता हुआ देखते हैं और ये लोग लेना को रेडी करके उसे ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जाते हैं जहाँ पर डैड भी आ जाता है। लेना को छोड़कर ये सभी एक परफेक्ट फैमिली के जैसे बिहेव करने लगते हैं। बर्डी मम से बातें करने लगती है और हम बर्डी के हाथ में लेना का वो एंटिक मिरर देखते हैं जो कि बर्डी ने रख लिया था। फिर मम बर्डी को अपना चोरी किया हुआ सामान जमा करने के लिए कहती है जो उसने आज चुराया था लेकिन मम इसे देखकर खुश नहीं होती है क्योंकि वो सामान बहुत ही कम था। इसके बाद में मम अपने काम में लग जाती है और बर्डी डैड को चोरी किया हुआ सामान दिखाने लगती है। यहाँ पर एलबी भी अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके उस लड़की के बॉडी पार्ट को ठिकाने लगाने के लिए बाहर जाता है और लेना मौका पाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो वहीं पर पकड़ी जाती है। ये लेना की पहली गलती थी तो इसलिए सभी लोग लेना को कुछ नहीं कहते हैं लेकिन अगर उसने फिर से ऐसा कुछ किया तो उसका अंजाम वो अपने सामने देख रही है। फिर मम बर्डी से लेना को उसका काम समझाने को कहती है। थोड़ी देर के बाद में बर्डी लेना को नीचे लेकर एक रूम में जाती है और वहाँ पर वो लेना को उसका काम समझाने लगती है। ये सभी लोग चोरी का काम करते थे। एलबी का काम एयरपोर्ट से सूटकेस चुराना था और डेड बॉडीज को ठिकाने लगाना था। इन सभी ने अपना अपना काम आपस में बांट रखा था और अब से लेना का काम था उस चोरी किए सामान को सही तरीके से जमाने का। लेना अपना काम अच्छे से करने लगती है और तभी एलबी एक सूटकेस लेकर वहाँ पर आ जाती है और जब वो अपना अपर निकालता है तो लेना उसे देखने लगती है और उसे ऐसा करते हुए बॉडी देख लेती है जो कि उसे चढ़ाते हुए कहती है कि ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है क्योंकि इसकी टंग और इसका प्राइवेट पार्ट डैड पहले काट चुके हैं। तभी वहाँ पर मम भी आ जाती है जो कि लेना के काम को देखकर खुश थी और उसे शाबाशी देती है। अब रात को लेना वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी क्योंकि आज रात उसे बांध कर नहीं रखा गया था जिसका कारण ये था कि सब कुछ लॉक था। डैड भी उसे छुप कर देख रहा था और इधर एलबी भी लाशों की बॉडी पार्ट को पैक करके रख रहा था। अब अगली सुबह एलबी उन बॉडी पार्ट को कंक्रीट मशीन में डालकर जला देता है
जिसके बाद में ब्रेकफास्ट टेबल पर बडी अपना चुराया हुआ सामान रखती है। लेकिन आज फिर से मम खुश नहीं थी, क्योंकि वो चुराया हुआ सामान बहुत ही कम था। जब मम बडी से इसकी वजह पूछती है तो बडी बताती है कि बिल्डिंग में हर जगह कैमरा लगवा दिए गए हैं, जिस वजह से आजकल चोरी करने में थोड़ी मुश्किल होती है। डैड बडी की ज़्यादा बोलने की आदत से इरीटेट हो जाता है और उसे चिल्लाता है, क्योंकि वो बडी की बकबक की वजह से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ पा रहा था। बडी कुछ काम में बिजी थी और तभी लेना बडी की जेब में से कुछ छुपाए हुए पैसे निकाल लेती है, जिन्हें देखकर डैड गुस्सा हो जाता है, क्योंकि लेना चोरी तो कर रही थी लेकिन सिर्फ अपने लिए, जो कि फैमिली रूल्स के खिलाफ था। मम को बचा लेती है और उसे अपने रूम में भेज देती है। इससे मम का ट्रस्ट लेना के ऊपर और भी पक्का हो जाता है। बडी को लेना पर बहुत गुस्सा आ रहा था, तो इसीलिए वो रूम में जमे हुए सामान को इधर उधर फेंकने लगती है। उसी वक्त एलबी वहाँ पर आ जाता है, जिससे बडी लेना के खिलाफ भड़काने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जब से लेना इनकी फैमिली में आई है मम सिर्फ लेना पर ही ध्यान देती है, और उसी के साथ में वो टॉर्चर वाला गेम खेलती है, जिससे बडी को बुरा लग रहा था क्योंकि अब ये दोनों पुराने हो चुके थे। फिर रात को लेना मम को फुट मसाज दे रही थी, जिससे मम को नींद आ जाती है, और उसके बाद में लेना क्लीनिंग का काम करने लगती है। पास में बैठकर डैड अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और तब वो एलबी को आवाज़ लगाकर ऊपर वाले रूम में आने का इशारा करता है। अब डैड लेना से खुद को मसाज देने के लिए कहता है। लेना डैड को मसाज देने लगती है और तब वो लेना से कहता है कि अपने डैड को खुश करो, और फिर उसे अपने पैर के पास किस करने के लिए कहता है। लेना का प्लान किसी भी तरीके से वहाँ से निकलना था, तो इसीलिए वो डैड की बात मानने लगती है, और जैसा जैसा वो लेना से करने के लिए कहता है वो ठीक वैसा ही करती है। डैड लेना के फेस को सहलाने लगता है, जिससे कि लेना उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन लेना का ये पेंतरा किसी काम नहीं आता है और डैड लेना को धक्का दे देता है। अब रात के समय मम लेना के रूम में आती है और लेना मम को हक कर लेती है, जिससे कि मम को बहुत खुशी होती है। तभी लेना मोम के देती है, जिससे कि उसे लगता है कि मोम खुश होगी, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा होता है। लेना की आवाज़ अब वापस आ गई थी और बोल पा रही थी। ये बात मम को नहीं पता थी और इस बारे में बडी भी जानती थी, लेकिन उसने मम को नहीं बताया था। मम बडी से नाराज़ हो जाती है, क्योंकि लेना चिल्ला भी सकती थी, जो कि उनके लिए रिस्की साबित हो सकता था। फिर मम बडी से अपना बैग लाने के लिए कहती है, ताकि वो फिर से लेना को वो इंजेक्शन लगा दे, जिससे कि उसकी आवाज़ फिर से चली जाए। लेकिन लेना मम से प्रॉमिस करती है कि वो अब नहीं चिल्लाएगी और उसे वो इंजेक्शन नहीं दिया जाए। पर मम को लेना की बात पर विश्वास नहीं था और वो उसका टेस्ट लेना चाहती थी। मम लेना की थाइस पर डीप कट लगा देती है ताकि वो नहीं चिल्लाए, लेकिन वो तब भी नहीं चिल्लाती है, जिसके बाद में लेना फिर से चोरी किए हुए सामान को जमाने में लग जाती है। तब एक सूटकेस में से उससे एक सेलफोन मिलता है, जिसे वो अपने पास में छुपा लेती है। तभी वहाँ पर मम भी आ जाती है और बडी उस सेलफोन पर कॉल कर देती है, जिससे कि लेना पकड़ी जाती है और मम का भरोसा लेना पर से उठ जाता है। ये सारा प्लान बडी का ही था और उसी ने सेलफोन को वहाँ पर रखा था, क्योंकि मम का भरोसा लेना पर बढ़ता जा रहा था, जिससे कि बडी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसके बाद में एलबी लेना को पकड़ लेता है और इस पर मम उसे और भी स्ट्रॉन्ग डोज का इंजेक्शन लगा देती है, जिससे कि वो फिर से बेहोश हो जाती है। अब लेना के जागने पर उसे लॉन्ड्री का काम भी दे दिया जाता है और वो अपने काम में लग जाती है। जब वो मशीन में कपड़े डालने लगती है, कपड़ों में से इंसानों के दांत गिरने लगते हैं, जिन्हें देखकर उसे प्यूकिंग होती है और वो घबरा कर रोने लगती है। फिर जब वो उठकर वेंटिलेशन के बाहर जागती है, तो उसे डैड के साथ में बात करते एक आदमी दिखाई देता है। डैड के जाते ही वो हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज़ ठीक से नहीं निकल रही थी। वहाँ पर एलबी आ जाता है और लेना उन दांतों को अपने मुंह में डाल लेती है। एलबी के जाते ही लेना दांतों को वेंटिलेशन से बाहर फेंक देती है, जिन्हें वो आदमी भी देख लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वो कहाँ से गिरे। तभी डैड वहाँ पर आ जाता है, जिससे वो आदमी कहता है कि ऊपर से कुछ दांत गिरे हैं, और उन्हें देखकर डैड सब समझ जाता है और फटाफट ऊपर जाकर लेना को पकड़ लेता है। फिर एलबी की मदद से वो लेना को टॉर्चर रूम में लेकर जाता है और फिर लेना को एक बैग में डालकर बंद कर देता है।
अब वो एलबी से एक बड़ा हथौड़ा लाने के लिए कहता है, जिससे कि वो लेना को बुरी तरीके से पीटने लगता है। जब वो थक जाता है तो एलबी को हथौड़ा देकर उससे कहता है कि वो लेना को पीटे, और एलबी लेना को बुरी तरीके से पीटता है। दूसरी तरफ वो आदमी घर में आ जाता है, लेकिन मम और बर्डी पीछे से आकर उसे बेहोश कर देते हैं। कुछ देर के बाद लेना को बैग से बाहर निकाला जाता है, और तब तक वो सभी लोग मिलकर उस आदमी को मार चुके थे और उस आदमी का कटा हुआ सर सामने रखा हुआ था। तब हमें ये पता चलता है कि वो आदमी डेड का 15 साल पुराना फ्रेंड था, जिसकी वाइफ और बच्चे भी थे। डेड ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे कि लेना का उस आदमी से अफेयर चल रहा हो, और वो उसे सबक सिखाने के लिए ज़बरदस्ती करते हुए उसके कटे हुए सर से लेना को किस करवाता है। फिर डैड लेना को बोलता है कि मम तुम लोगों को अपने पास में इसलिए रखती है ताकि वो तुम्हारे साथ प्लेफुल एक्ट कर सके और तुम्हें टॉर्चर कर सके, और मुझे तुम जैसे को तड़पा कर मारने में मज़ा आता है। इतना कहकर वो लेना का गला दबाकर उसे मारने लगता है, लेकिन मम उसे ये कहकर बचा लेती है कि तुम भूल रहे हो कि ये मेरा टॉय है। अब इतना सब होने के बाद में बर्डी फिर से मम की खास हो जाती है, और लेना बर्तन धोने में लग जाती है। तब हम समझ पाते हैं कि ये फैमिली कैनिबल है जो कि इंसानों का मांस खाती है, क्योंकि जिस आदमी को इन्होंने मारा था ये लोग उसी के सोसेजेस बना रहे थे। अब रात के टाइम पर लेना को किचन में ही बांध कर रखा जाता है और उसे खाना भी नहीं दिया जाता है। तब मम वहाँ पर आती है कि अगर उसने अच्छे से बिहेव किया तो फिर से उसे रूम में सोने दिया जाएगा, वरना इस बार उसे डैड से निपटना होगा। इतना कहकर मम किचन से चली आती है। फिर अगली सुबह लेना को फिर से रूम में बांध दिया जाता है, और लेना जैसे तैसे अपने हाथ को छुड़ाकर वहाँ से टॉर्चर रूम से होते हुए मम और डैड के रूम में चली जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि डैड और एलबी किसी बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे। अब वो पास ही के एक रूम में जाती है, जहाँ पर वो एक लड़की को देखती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। उसकी पूरी बॉडी पर मारपीट और टॉर्चर के निशान थे। उसे इस हालत में देखकर लेना को बहुत ही बुरा लगता है, और वो उसे टच करती है, जिससे कि उस लड़की को लगता है कि डैड आ गए, और वो अपने कपड़े को ऊपर करने लगती है क्योंकि डैड अक्सर इसके साथ में ज़बरदस्ती करता था। अचानक से वो शिवर करने लगती है, और लेना वहाँ से भागकर दूसरे रूम में पहुँच जाती है, जहाँ पर एक आदमी को बांध कर रखा गया था, जिसका गला कटा होने के कारण वो दर्द में तड़प रहा था। लेना जल्दी से एक हथियार लेकर दरवाजे के पीछे छुप जाती है, और डैड वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो लेना को नहीं देख पाता है और फिर से जाकर अपने रूम में सो जाती है। तब एलबी वहाँ पर आता है और उसे सैंडविच खाने के लिए देता है, क्योंकि अब तक लेना को खाना नहीं दिया गया था। और कुछ देर के बाद में वहाँ पर बर्डी भी आ जाता है, जो कि आज बहुत ही खुश था क्योंकि आज क्रिसमस का दिन था। लेना को फिर नीचे ले जाया जाता है, जहाँ पर सेलिब्रेशन चल रहा था। मम और डैड आपस में डांस कर रहे थे, और वो लड़की भी वहीं पर थी, और उस आदमी को दीवार पर किलों से लटका कर रखा गया था, जिसके कमर के नीचे का हिस्सा काट दिया गया था, और साथ ही उसके चेस्ट को काट कर उसके अंदर कैंडल जलाकर रखी गई थी, और तो और उसके प्राइवेट पार्ट पर भी कीलें गड़ी हुई थी। बर्डी को क्रिसमस गिफ्ट में एक चाकू मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत ही खुश होती है। एलबी को गिफ्ट में एडल्ट मैगजीन मिलती है, जो कि उसके किसी काम की नहीं थी। डैड लेना को अपने पास बैठा लेता है और ज़बरदस्ती उसे शराब पिलाने की कोशिश करता है। डैड लेना से कहता है कि वो जानता है कि लेना कल छुप के ऊपर गई थी, और इस लड़की ने उसे सब कुछ बता दिया है, क्योंकि वो इसकी सगी बेटी है और वो इसका ही खून है। वो ये भी बताता है कि ये लड़की यहीं पर पैदा हुई थी, और इसके जन्म के वक्त इसकी कॉर्ड इसके गले के आसपास फंस गई थी, और डैड ने उस कॉर्ड को अपने दांतों से काट कर उसे फ्री किया था। ये तब से ऐसी है, और सबसे घिनौनी बात ये थी कि डैड इसका भी रेप किया करता था। फिर डैड मम के पास में जाता है और उसे गिफ्ट देता है, जिसके बाद में लेना को ऊपर वाले रूम में लेकर जाया जाता है। उसे नए कपड़े पहनाकर रूम में बांध दिया जाता है, क्योंकि डैड का क्रिसमस गिफ्ट थी लेना। मम बर्डी को नीचे बुला लेती है, और एलबी लेना को लॉक करके चला जाता है, लेकिन वो देखती है कि एलबी ने उसे लॉक नहीं किया है। फिर वो अपने हथियार को तकिए के नीचे छुपा लेती है, और डैड रूम में आ जाता है, और वहाँ पर आकर वो अपनी पैंट उतार देता है। तभी मौका पाकर लेना उस टूल से डैड के ऊपर हमला कर देती है, और उसे जख्मी करके नीचे आ जाती है। वो देखती है कि मम और बड़ी अपने आप में लगे हुए हैं, क्योंकि इन दोनों का भी आपस में अलग ही सीन था।
इतने में डैड जख्मी हालत में नीचे आ जाता है और बर्डी और मम का ध्यान लेना पड़ जाता है। लेना मम के ऊपर हमला करके वहाँ से भागती है, लेकिन बर्डी उसे रोकने की कोशिश करती है। इसीलिए लेना उसी के गिफ्ट वाले चाकू से उसे स्टैब कर देती है, लेकिन अभी भी बर्डी लेना को भागने नहीं दे रही थी। तो लेना बर्डी को आयरन मार देती है और तब वहाँ पर एल भी आ जाता है, लेकिन वह उसे कुछ नहीं करता है और लेना बाहर का दरवाज़ा कूद कर बाहर निकल जाती है, जिससे कि उसकी एंकल ट्विस्ट हो जाती है। फिर भागते भागते लेना पीछे पलट कर देखती है तो मम और डैड अभी भी लेना के पीछे आ रहे थे। मम लेना की बैग पर चाकू घुसा देती है और इस बार लेना मम का गला काट कर उसे जान से मार देती है, और फाइनली वो डैड को भी जान से मारकर इन लोगों के चंगुल से आज़ाद हो जाती है। यहाँ पर एलबी भी उस लड़की का गला दबाकर उसे दर्द से फ्री कर देता है और खुद भी घर के बाहर आ जाता है, और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, ये था मम एंड डैड मूवी का एक्सप्लेनेशन। ये मूवी बहुत ही घिनौनी मूवी है जिसमें बाप बेटे के रिश्ते की धज्जी उड़ा दी गई है। मम और डैड एक मेंटली इल पर्सन थे जो कि अपने कैनिबलिज्म के चलते लोगों को मारकर खाया करते थे, और वो अपने शौक और अपनी फैमिली को पूरा करने के लिए अनजान लोगों को मारकर उन्हें यहाँ पर कैद रखते थे और उन्हें तब तक टॉर्चर करते थे जब तक कि वो यहाँ पर घुट घुट कर नहीं रहने के लिए राजी हो जाता। जो लोग उनका कहना मानते थे वो उन्हें अपने बच्चों के जैसे ट्रीट करते थे, लेकिन जो उनका कहना नहीं मानते थे वो उन्हें हथौड़े से जान से मार दिया करते थे। इतना ही नहीं, डेड तो इतना घिनौना आदमी था कि वो अपनी बेटी का रेप करता हुआ आ रहा था जो कि उसकी खुद की बेटी थी। दोस्तों, ये बात सच जरूर है कि ऐसी मूवी को देखने से लोगों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है, लेकिन अगर देखा जाए तो अगर कोई मूवी बना रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होगी, क्योंकि हमने बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पर यह सब कुछ असलियत में होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं उन पर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोज़ दिल से अच्छे लगते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे वीडियोज़ को कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जानकर अच्छा लगेगा। तो अब मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।